इसलिए मैं मुझे नहीं लगता कि जो भी है फिर तो पता ही चलेगा आने वाले अभी समय में। अभी उनका भाई इन्वॉल्व है ड्रग्स के लिए, अभी वो ड्रग्स के लिए इन्वॉल्वमेंट उनका आया है सामने, सीबीआई के सामने वो कस्टडी में है। ये बताया जा रहा है कि रिया जी जो है वहां से ड्रग्स लेके उनको सुशांत को देती थी। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये केस है क्या, ये सुशांत सिंह का ये मर्डर का केस है, सुसाइड का केस है या ड्रग्स का केस है? पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए केस मैं किसके कंचन खिलाफ जी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि आप पूछ रही हैं कि, और सूरज ने भी ये कहा है कि इसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, है। हाँ एक्चुअली डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि धीरे धीरे इसको डिप्रेशन का नाम दिया गया था कि उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। फिर कहा गया डिप्रेशन में इसलिए गया, वो ड्रग ले रहा था इसीलिए वो डिप्रेशन में चला गया। अब वो धीरे धीरे इसी बात को तथ्य तक जाना पड़ रहा है, यू नो यू हैव टू गो टू द डीप एंड वी हैव टेकन इट आउट, द सीबीआई हैज टेकन इट आउट कि वो ड्रग उनको दिया जाता था और इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए थे या उन्हें पागल थोड़ा थोड़ा बनाया जा रहा था, एंड दैट वॉज द रिजल्ट कि वो उनकी मौत या हत्या का वो कारण हो सकता है। तो यू आर गेटिंग मी कि मैं किस लिए बोल रही हूँ कि इट इज गोइंग टुवर्ड ड्रग क्यों दिया जा रहा है? हाँ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप किसी को भी ड्रग ऐसे बिना उसकी मर्जी के नहीं दे सकते, जहां तक मेरा मानना है। आप छुपा के दे सकते हैं, और अगर प्यार अंधा होता है कंचन जी। प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है सर कि आपको ड्रग्स और अपनी हेल्थ का भी पता ना चले, इतना भी अंधा नहीं होता है। और ये ड्रग्स देने की जहां तक की बात है तो मैं नहीं मानती, मुझे तो 1% भी बिलीव नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती ड्रग देगा या आपको उसके लिए इंस्पायर करेगा। नहीं नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस एज में सुशांत सिंह के साथ जो भी हुआ है, मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, मुझे नहीं पता, जिस एज में हुआ है उस एज में आदमी को समझ में आता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करती हूँ चलिए, सर। हमारे हमारे ऑडियंस संजीव शर्मा जी बैठे हुए हैं, वो बहुत देर से सवाल पूछना चाहते हैं। संजीव जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वंदना जी नमस्ते, मैं सूरज नमस्कार। जी से और कंचना जी से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे भाई हमारा एक कानून है, आप उसको पहले ही गुनहगार कैसे बना सकते किसी को? अगर किसी भी इल्जाम लगता है तो जब तक वो साबित नहीं हो वो अपराधी नहीं होता है। पर मीडिया भी वही काम कर रही है कि उसको दिखा रही है, जनता में एक तरीके का माहौल बना दिया गया कि रिया इज ए कल्प्रेट। तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है सोचने की बात है। जैसे अभी कंचना जी ने कहा ड्रग्स, बिल्कुल सही बात है। क्या ये अभी तक सिद्ध हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत जी ड्रग्स लेते थे? नहीं, ये सिर्फ एग्ज्यूम किया जा रहा है। और ये एग्ज्यूम क्यों किया जा रहा है ये बहुत दुखद बात है सोचने की, कि भाई किसी भी तरीके से इस केस को कुछ समय के लिए जिंदा रखना है। हम चाहते हैं कि भाई हमें भी उनसे प्यार था, सुशांत सिंह राजपूत से, उनका जो भी हुआ चाहे मर्डर हुआ या सुसाइड किया ये पता चलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से उलझा के आप किसी को एग्ज्यूम करके किसी को गुनहगार बना दोगे, ये करना गलत है। तो एक बार बताइए, जब जब किसी को सबूत मिल रहा है, किसी को तथ्य मिल रहा है, मैं इमरान जी से पूछना चाहूंगी ये सवाल। इमरान हाशमी जी मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि अगर कोई किसी के केस के लिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सामने आया, अगर उस केस की तरफ उसके साथ जो रहते थे, अभी जैसे कि अचानक पता चला है उसके जो भाई है शौवे के साथ में, उसके सुशांत सिंह के यहाँ जो काम करते थे, उन्होंने भी ये बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती ये ड्रग मंगवाती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो क्या वो ऐसे ही बोल देगी या उसे फोर्सफुली बुलाया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो बात कंचन ने बोली और जो बात सूरज ने बोली उनकी बात बिल्कुल से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी उस बारे में कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। मुद्दा था सुशांत सिंह की मृत्यु कैसे हुई, सुसाइड या मर्डर, मर्डर तो किसने किया और सुसाइड तो क्यों किया, वो सब छोड़ के ये ड्रग वाला एंगल निकल आया है। और इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ड्रग में इसमें क्या होगा, 3 महीने की कैद या मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि कंजप्शन करते हुए नहीं पकड़ा किसी को और किसी के पास ड्रग रखी हुई नहीं पकड़ी गई है। ये सालों पुरानी बात है, वो भी चैट में लिखा है कि हमने ली थी, उसके ऊपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता नहीं है। स्ट्रॉन्ग केस तब बनता है तब आप करंट में करते हुए पकड़े गए और आपके पोजिशन में है, दोनों चीजें नहीं निकली हुई। सिर्फ एक चैट है जिसमें कहा गया है कि हमने हाँ लिया था 2 साल पहले या 6 महीने पहले, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उससे सबको बेनिफिट है। अगर पकड़े गए उस केस के अंदर तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। असली मुद्दा जो था कि सुशांत सिंह की हत्या हुई तो किसने और सुसाइड हुई तो क्यों, वो तो एक तरफ रह गया। यही वो सूरज भी कह रहे हैं, यही कंचन का भी कहना है। इमरान जी मैं आपको फिर पूछना चाहूंगी, आप लोग सब बोल रहे हैं ड्रग का मामला क्यों उठाया जा रहा है,
बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि ड्रग का मामला इसलिए उठाया जा रहा है कि कहा जा रहा है वो डिप्रेशन में चले गए थे। अब पता चल रहा है कि ड्रग उसे उन्हें खिलाया जा रहा था, उन्हें डिप्रेशन में क्यों लाया जा रहा था, वो बच्चे नहीं है, समझ में आया। पर अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम टेंशन में हो, टेंशन में, टेंशन में हो, ये दवाई लो, तो क्या अगर हमसे कोई प्यार करता है मानेंगे नहीं उसकी बात? हम क्या ड्रग नहीं लेंगे? हम क्या उसे दवाई समझ के नहीं लेंगे? आप उसके साथ रह रहे हैं, बाकायदा लिव इन रिलेशनशिप में एक पत्नी की तरह रह रहे हैं, अगर आपको केयर नजर आ रहा है और अगर आपको कोई दवाई देगा आप नहीं लेंगे? ये अभी के आपके को होस्ट ने कहा था कि प्यार अंधा होता है, वो गए जमाने जब प्यार अंधा हुआ करता था पहले। अब इतना अंधा नहीं होता है कि आपको कोई अब ड्रग जमाना मिल तो रहा था, है और आप पहले भी वही था, नहीं। आज भी वही है। सर अभी सोशल मीडिया से ज्यादा चल जाता है, लेकिन प्यार अभी भी अंधा होता है, इमोशन अभी भी होते हैं लोगों में। तो ये जब आप लोग सब एक बात बोल रहे हैं कि आप ड्रग मामला क्यों लेके आ रहे हैं, जब सीबीआई की जांच हुई तो ड्रग क्यों खिलाए गए थे? ना देखिए, प्यार ये था नहीं तो कह ड्रग रहे, क्यों खिलाएंगे? ये कोई आप नहीं कह रहा। सैमुअल मिरेंडा की बात सुन लीजिए, उन्होंने ही कहा, सैमुअल मिरेंडा ने, शोविक ने नहीं कहा बंदा, है, उनका अब बात बयान है। सुनिए, हाँ देखिए अब तो हर आदमी ड्रग को एक्सेप्ट कर रहा है, पहले तो किसी ने नहीं करा था हाँ ड्रग। इसलिए ड्रग की छोटी सी बात क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है उसके अंदर कोई छोटी सी चीज निकल आती है तो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। आपने चोरी करी है और आपके पापा ने आपको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम देर से क्यों आए, तो आप फट से कहेंगे हाँ गलती हो गई सॉरी, कल से मैं देर से नहीं आऊंगा, क्योंकि आपने जो उनकी जेब में से पैसे चुराए थे उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया, तो आपने फट से एक्सेप्ट कर लिया कि सॉरी गलती हो गई, देर से आ गया, कल नहीं आऊंगा, आपने गिल्टी फील कर लिया, बड़ा मुद्दा छोड़ दिया आपने। यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है कि बड़े मुद्दे को तो सब लोगों ने छोड़ दिया है और सब लोग उस तरफ भाग निकले हैं ड्रग की तरफ। ठीक है, ड्रग आप जिन राज्यों के अंदर जो ड्राई स्टेट्स हैं जहां पे भी शराब नहीं पी मिलती है, क्या वहां पे शराब नहीं पी जाती है? चोरी छुपे वहां पे भी होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी ड्रग कंट्रोल में है, सर कुछ चीजें ड्रग यहाँ पे भी एंड होता है। शराब के बीच में अंतर है इमरान जी, ड्रग और हाँ तो शराब मैं के बीच उसी में पे अंतर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसी तरह इमरान से जी एक ड्रग भी उदाहरण कंट्रोल दे में है रहे और वो हैं। भी चोरी छुपे थोड़ा बहुत चलता है, तो वो मुद्दा मुद्दे मुझे लगता है वो मुद्दे से हटके कहीं और जा रहे हैं सब लोग। अब आपको हाँ ये पिछले 2 महीने से हो रहा है। अगर आप देखिए चीज ये है कि इसे ड्रग लिया है। हाँ धीरज जी बोलिए। ये शुरुआत में अगर आप देखिए तो पहले नेपोटिज्म का मामला उठा, फिर मामला उठा कि उससे हाथ से फिल्में चली गई, फिर धीरे 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 देखे नहीं उस बात का सब हवा निकल गया, तो अब फिर एक रिया चक्रवर्ती मिल गई, पूरी दुनिया मिलके रिया चक्रवर्ती, फिर देखे कि रिया चक्रवर्ती से भी कुछ नहीं निकला, तो अब देखिए ड्रग 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 और सारे जो चीजें छूट के उसके ऊपर ड्रग पे आ गए। दूसरा, एक आदमी जो अभी जिंदा नहीं है, हम लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि वो ड्रग्स ले रहा है, आज तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ सामने नहीं है। सर तो डिफेंड करने के लिए सामने नहीं है, तभी तो सब डिफेंड करने आ गए हैं उसके लिए। नहीं आज धीरे पूरी जी बहुत दुनिया उसके सही कहा, डिफेंड के कहा लिए गया है इसलिए कि आई वो है ले ना। रहा है, ये अगर ड्रग वो रहता तो हम नहीं आते डिफेंड करने के ना इसको लिए। दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ ऐसा है कि जो वो जानती है लेकिन वो बता नहीं रही है, राइट, इसीलिए वो सबसे दोषी है। क्या फिल्म उसको इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है रिया चक्रवर्ती का? हमें ऐसा लग रहा है किसी दोषी का, अगर वो दोषी है और कल को साबित हो गया, अगर आप इतना फोर्स करेंगे तो शायद आगे की कार्रवाई नहीं हो और उसे ज्यादा, आज सुबह ही आपने देखा होगा, कल सुबह ही का नाटक हाथ जोड़ के कि प्यार गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। क्या आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं नाटक करके और इमोशनल इमोशन को ला के ये सब चीज कहीं और दिखाई जा रही है? बिकॉज एक्ट्रेस है। बॉलीवुड जो है कभी किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आया है। आप संजय दत्त साहब के साथ ही प्रकरण देख लीजिए, उन्होंने जेल में जाके सजा काटी है, चाहे सलमान खान का मामला हो, तो रिया साइनी चक्रवर्ती आहूजा। भी, साइनी आहूजा हो, तो अगर रिया चक्रवर्ती दोषी होगी तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, उसको जेल जाना होगा, जो भी सजा उसको मिलेगी वो सजा करेगी, लेकिन अब वेट तो कर लीजिए। नहीं तो इंडस्ट्री सारी बोल रही है, जैसे आप सारे आए, इमरान हाशमी जी कई बार कहते हैं, या फिर कंचन जी बोल रही हैं, या फिर सूरज बोल रहे हैं कि वाई एवरीबडी इज आफ्टर हर, और एक बात उठ रही है कि अब ड्रग आ गया है, पहले नेपोटिज्म आ गया, तो सर किसी की जान गई है? कोई मरा, एक सुशांत सिंह राजपूत 34 वर्षीय युवक जिसकी बॉडी मिली, जिसके फेस में मार्क था, जिसे लगा कि मार पीट के टांग दिया गया है। अब आप अगर चाहेंगे कि ऐसे भी कई घटना हो तो आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि ये
ऐसी घटना है जो हत्या की तरफ इशारा कर रही है, फिर भी लोग चाहते हैं कि इस मामले को नहीं उठाया जाए। ठीक है, रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, महेश भट्ट इनोसेंट है, करण जौहर इनोसेंट है जिन्होंने अपना नंबर बदल दिया कि हाँ अब और कोई परेशान नहीं करे मुझे। नेपोटिज्म का मामला इसलिए आया क्योंकि 6 फिल्में उनसे इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी छीन ली गई कि बॉलीवुड में, बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं इस कोरोना के टाइम में पूरी तरीके से लोग आकर्षित हुए और यहाँ तक कि लोगों का फोन हमें आया कि यार बॉलीवुड की तरफ से हमें अब वो बॉलीवुड अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों ने यहाँ तक फोन किया हमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ये कहना चाहिए कि अगर सुशांत सिंह, अगर सीबीआई का मामला इस तरफ आ रहा है, कुछ तथ्य है तो उस पर काम करना चाहिए। जांच एजेंसी अपना काम तो कर रही है ना। हाँ, तो रिया चक्रवर्ती को क्यों बोलने पे कि एक रिया चक्रवर्ती पे क्यों दोषी दिया जा रहा है? और भी अभी देखिए शामिल मिरेंडा भी सामने आ गए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके ब्रदर भी सामने आ गए हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, फिर भी हम बोलते जा रहे हैं कि शायद रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, ऐसा कुछ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है। मैं जो अभी इमरान जी कहे उसकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि मामला सुशांत की डेथ का है और आप देखिए कि पिछले 15 दिन से 1 महीना से वो डेथ वाली बात पीछे हट गई है। इसने ये ड्रग्स लिया, ये दोषी है, ये भी ड्रग्स लेता है, वो भी ड्रग्स लेता है। अचानक से लग रहा है कि जांच किसी और ही दिशा में चला जा रहा है। तो कैसे हम फिर साबित कर पाएंगे कि रिया चक्रवर्ती ने उसकी हत्या की है? मैं एक बात तक आपकी बात मानता हूँ कि ड्रग्स जो है लोगों के जीवन में डिप्रेशन लेके आता है और रिया चक्रवर्ती उसके साथ में रह रही थी, अब जैसा भी जांच सौबी को गिरफ्तार किया गया है तो कहीं ना कहीं उसको ड्रग्स दे रहे थे, लेकिन जीते जी हालात में उसके साथ में रिया ही रह रही थी। रिया ही अच्छे से बता सकती है कि सुशांत उस वक्त किस हालात में था। ठीक है, वो ड्रग्स ले रहा था कि नहीं ले रहा था, या ड्रग्स रिया मंगवा रही थी तो किसको वो सप्लाई करती थी आगे, ये सब बात तो खैर बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मीडिया ना, और एक मैं आपको बताऊँ, एक ना पूरी ट्रोलिंग चलती है। अगर आज मीडिया में कुछ दिखा जाए तो आप देखिएगा कि क्या सच्चा क्या झूठा, सारे लोग मिलके उसके पीछे पड़ जाएंगे। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हाल में ही दीपिका चिखालिया जी ने मेरी फिल्म गालिब का पोस्टर ट्विटर पर डाला। अब लोगों ने पोस्टर देखने के बाद सीधे से नीचे से ट्रोल करना शुरू करा, जी आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई है, ये हो गया। अरे आप वेट तो करो, क्या पिक्चर है, क्या ये है। तो लोग ना पहले से ही जजमेंटल हो जाते हैं। आप भी यही कर रही है हम लोगों से कि अभी जिस बात की जांच चल रही है कि आप दोषी है कि नहीं, हम ये कह सकते भाई हाँ यहाँ यहाँ रिया जो है दोषी लगती है कि उसको ये ड्रग्स वाली बात शुरू में ही बता देनी चाहिए थी पुलिस को कि हाँ, लेकिन उसको डर था कि अगर मैं बताऊंगी तो मैं भी फंस जाऊंगी, उसको ये बातें शुरू में ही बता देनी चाहिए थी। क्यों 2 महीने 3 महीना के बाद ये चीज आई? शायद अगर ये चीज शुरू में ही आ जाता शायद आज रिया चक्रवर्ती पर जितना हंगामा हो रहा है शायद नहीं होता। लेकिन अब हो रहा है तो अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया सारे मामले छोड़कर, क्या होगा जब इतना हल्ला गुल्ला किसी चीज पे होने लगेगा तो कहीं असली मुद्दा छोड़ नहीं जाए। सर 2 महीना पहले रिया ड्रग्स के लिए बोली रही थी, अभी ड्रग्स के लिए बोली है, अभी तो और भी खुलासे होंगे रिया के मुंह से। जी मैं तो कह रहा हूँ कि उसको बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कहीं है ना वो छुपाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है सर। अगर चाहती तो पहले बोल सकती थी, ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ता पहले गई उसके बाद में उसका ना सुसाइड हुआ और उसका ना फिर सब सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सपोर्ट वाली बात नहीं कहूंगा। 2 आदमी साथ रह रहे हैं, एक समय के बाद महसूस होता है कि भाई दोनों आदमी जो है एक दूसरे से उनकी बन नहीं रही है और बड़ी शालीनता के साथ दोनों अलग हो जाते हैं। अब उस अलग हो जाने के बाद दूसरे साथी पर अच्छा बुरा प्रभाव तो पड़ता है उसका, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत कुछ ऐसा है जो रिया छिपा रही है। ये जो ड्रग्स वाला मामला अगर रिया ने पहले शायद बता दिया होता तो आज जो इतना हंगामा है उतना हंगामा नहीं क्रिएट होता। मतलब सर आप पहले बोल रहे हैं, धीरज जी आप अग्री कर रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत सारा खुलासा उसने रखा हुआ है, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, खुलासा होगा। मैं राजकुमार कनौजिया जी से पूछना चाहती हूँ। राजकुमार जी, जब ये मामला सुबह पहले आपको शायद कोई मैसेज आया होगा, आपको पता चला होगा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद आपको एक और फिर सारे एंगल्स देखने मिले होंगे, तो उस वक्त आपने जो फ्रेम किया होगा, अभी तक सब ने बॉलीवुड अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर ले रही है कि ये है ये है ये है,
तो उस वक्त आपको क्या लगा कि सुशांत सिंह ने अपनी आत्महत्या की होगी, ऐसा हो सकता है? देखिए, सुशांत के बारे में जितना मैं सुन रखा हूँ, एक्चुअल जो उनके आसपास के लोगों को मैं जानता हूँ, उनको डायरेक्टली नहीं जानता था, लेकिन आसपास के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता था, तो उस आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ उनके जैसा शख्सियत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। तो फॉर मी इट इज अंडरस्टूड कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, फॉर श्योर इट इज अ मर्डर, वो मैं एकदम डंके की चोट पे कहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन मुझे साथ ही साथ जिस हिसाब से मीडिया ट्रायल और जो इतना प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है, बरगलाया जा रहा है, मुद्दे से भटक रहा है केस, ये मुद्दा साइड में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े, मतलब ये सब छोटी छोटी मछलियां है, फिर चाहे वो ये कह ले रिया कह ले, सौभिक कह ले, या ये सब छोटी छोटी मछलियां, किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है इसके पीछे फॉर श्योर। अब वो कौन है क्या, यही वजह है कि केस को इस तरीके से भटकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, और मेन मुद्दे से केस भटक रहा है और इतना समय लग रहा है। मुंबई पुलिस जिसे स्कॉटलैंड से तुलना की जाती है, और वो भी विवश लग रहा है मुझे कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं प्रेशर, और वो बिग शॉट है कौन, वो अगर आ जाए मीडिया के सामने तो इससे बेहतर बात नहीं होगी, और वो आई एम श्योर कोई ना कोई पॉलिटिशियन रहा होगा, वो कोई ना कोई पॉलिटिशियन है जिसकी वजह से ये केस इतना उलझ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन डे बाय डे होता जा रहा है, मेन मुद्दे से लोग भटक रहे हैं। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि पूरा खुल करके अब जैसे, और रिया के ऊपर भी कोई ऐसे लग रहा है जैसे मानो रिया एक पपेट है किसी की, और वो नाच रही किसी के इशारे पर, और मेरे को ये बड़ा अचंभे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा भारतवर्ष, और ऐसे में सीबीआई की इंक्वायरी चलते एक दिन पहले वो इंटरव्यू कैसे दे सकती है, और वो भी छवि सुधारने को, केस को बरगलाने में, भटकाने में बहुत अच्छा इंटरव्यू हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है इंटरव्यू, और उससे फर्क भी पड़ रहा है। आज भी ये जो हम आप जो बहसबाजी कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, ये उसी का फलसफा है, क्योंकि वो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया राजदीप सरदेसाई वाला। तो ये जो चल रहा है, ये कुछ तो एक अलग जंगल जलेबी हो चुका है, और इस जंगल जलेबी से ये तब पर्दाफाश होगा जब कोई बड़ी शख्सियत का नाम बाहर आएगा खुल करके, तब हमको पता चलेगा इन रियलिटी केस है क्या असल में। तो सर ऐसा ही तो होता है, प्यादे को पकड़िए तभी मालिक का पता चलेगा, आपको नहीं लगता है? प्यादे को पकड़िए, आप धीरे 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 पकड़िए, जो आप बोल रहे हैं शी इज जस्ट अ प्यादा। हमारे साथ एक ऑडियंस है, वो कुछ कहना चाहती है रिया चक्रवर्ती के लिए, आप कह सकती हैं। शिल्पा अग्रवाल हमारे साथ है, आप कुछ कहना चाहती हैं, अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने सवाल को रख सकती हैं, आपका विचार क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, आप बोलिए, आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं, आपका मैसेज हमें मिल रहा है, बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। बात यहाँ पे ये हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, तो एक्चुअली सुनने में अभी ये आ रहा है कि उसे पता भी नहीं था कि उसे ड्रग्स दिया जाता था, रिया उसे कॉफी टी ये सब के माध्यम से चार गुन करके उसे ड्रग्स दिया करती थी। उसका जो व्हाट्सएप मैसेज है वो रिट्राइव किया है सीबीआई वालों ने, उसका एक मैसेज था कि चार बूंद कॉफी में मिला के उसे दे दिया जाए। तो जहां तक जानकारी अभी ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पता था कि उसे ड्रग्स दिया जा रहा था, तो रिया उसे स्लोली ड्रग्स दे दे कि वो डिप्रेशन में ला दिया रिया ने उसे। ये क्या क्या, इमरान जी आप क्या कहना चाहते हैं, ये ऑडियंस हमारी बोल रही है, ये उस चैट में कहीं नहीं है, तो जल्दी जल्दी इतनी जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है वो रिया को फेवर कर रहा है, ये भी एक ओपिनियन बना ली बिना, किसने फेवर करा, किसी ने कोई नाम नहीं लिया। आप मीडिया वाले जब पूछते हैं कि बोलो रिया दोषी है क्या, कैसे बोलते हैं रिया दोषी है, उसके खिलाफ कौन सा सबूत है, ऐसे ही जस्ट बिकॉज हमने जो न्यूज़पेपर इसमें न्यूज चैनल में कुछ देखा है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि रिया दोषी है, और अगर नहीं बोले तो हम उसको फेवर कर रहे हैं, वही मतलब दो ही चीजें हैं। अगर हमने बोला कि रिया दोषी कैसे है, इसका मतलब मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, और अगर मैं बोल दूँ दोषी है तो या मैं उसको बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे जाऊँ, हमेशा हमें एक्सट्रीम ही चाहिए होती है, ये बड़ी गलत मानसिकता है। तो सर आपको नहीं लगता है, इमरान जी आपको नहीं लगता है कि कभी कभी जब सीबीआई कोशिश करती है या पुलिस कोशिश करती है और वो ट्राई टू फाइंड आउट करती है, जैसे कि इन्होंने कहा, राजकुमार जी ने ये कहा कि एक छोटा, शी इज जस्ट यू नो एक छोटा, आप प्यादा बोल सकते हैं, ऊपर और भी लोग बैठे हैं,
तो जब हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, हम उसे ट्राई टू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लोग खड़े हो जाते हैं, अरे क्यों रिया को पकड़ा है, दूसरे को पकड़ो, अरे दूसरा सामने आएगा उसके थ्रू तभी तो हमें पता चलेगा, अभी तो हम उसके आसपास के लोगों को सर्च कर रहे हैं, वो गोल है, ये दुनिया बहुत गोल है। आप एक को पकड़िए, धीरे 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 सारी गुत्थी खुलती जा रही है और वो गुत्थी को ऑडियंस के सामने लाया जा रहा है। एंड सोशल मीडिया आई थिंक इट इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। और वाई? बिकॉज यू नो पहले इतने हमारे पास नहीं थे, आजकल हम सबसे पहले मॉर्निंग उठते हैं व्हाट्सएप में खबर आ जाती है, मुझे लगता है टीवी ऑन करने के पहले व्हाट्सएप में सबको आ गए सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, सब फटाफट शेयर करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सोशल मीडिया को अगर कहा जाता है कि वो टीआरपी या जैसा कि मैंने कहा था, तो बहुत सारे बच्चे को सुरंग से निकालने में अगर मीडिया वाले सामने नहीं होते तो शायद वो बच्चा सुरंग से निकलता भी नहीं, जो एक छोटा बच्चा सुरंग में गिर गया था। तो कई बार होता है कि हम वो दिखाते हैं जो सामने खबर आ रही है। अब रिया चक्रवर्ती को बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो दोषी नहीं है, वो शिकार बन रही है। और इमरान जी आप बोल रहे हैं अगर दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन उसके पीछे मत पड़ो, राइट इमरान जी? ये कह रहा हूं कि अंदाजे मत लगाओ, पीछे पड़ो, आपको लग रहा है कुछ है तो आप, क्योंकि आप लोगों ने पीछे पड़ के ही ये सब कुछ लेकर आए, नहीं तो शायद ये सुसाइड का मामला होके खत्म हो गया होता, राइट? तो क्योंकि इसके पीछे घुसे और मीडिया वाले, इसके मीडिया वालों ने इसको खोद के निकाला, उसकी वजह से ये यहाँ तक सीबीआई तक पहुंचा, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम रिया दोषी नहीं है, इसका मतलब मैं उसको फेवर कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन बस जो मिला था वो यही था कि इसने सुसाइड किया है, लेकिन धीरे धीरे गुत्थी सुलझती गई और आगे जाके मालूम पड़ा कि वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। अब ये गुत्थी जो है मुझे लग रहा है कि 10-20% सुलझ, नहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गुत्थी है अब ये उसी उन्हीं चार लोगों के बीच में, उन्हीं चार लोगों के बीच में घूम रही है, ये कहीं गई नहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ी है। या तो हमें अभी सीबीआई ने डिस्क्लोज नहीं करा हो, अलग बात है, उनको अगर कुछ लीड्स मिले हैं और उन्होंने बताया नहीं हो तो अलग बात है, अदरवाइज एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि ये वहीं घूम रही है चार लोगों के बीच में। देखिए हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे कि उनके हिसाब से उनको क्या लग रहा है, जैसे ये शिल्पा जी बार बार लिख रही हैं रिया दोषी है, उसे सजा मिलनी चाहिए, तो आपको आपको क्यों लग रहा है कि रिया दोषी है? अभी तो पूरी चीज खुली नहीं है, आपके दिमाग में क्या ये बस गया रिया दोषी है? वन्ना जी मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो मीडिया और सोशल मीडिया के कारण ये जो फैलाया जा रहा है, लोगों की मानसिकता बन गई कि रिया दोषी है, इसको एक तरीका होता है उस तरीके से काम कीजिए ना, लेकिन यहाँ पे इस तरीके जो फैलाया गया, मैंने आपको कल कुछ व्हाट्सएप भी किया था, तो वहां पे भी जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से न्यूज चल रही है, वो न्यूज देख के दुख होता है कि ये मुद्दे को किस तरह भटकाया जा रहा है। आपको आपको क्या लग रहा है क्या भटकाया जा रहा है? आप खुद देखा, मैंने जो कल आपको व्हाट्सएप किया था, अगर आप यहाँ शेयर करो लोगों को समझ में आएगा कि ये मुद्दा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। बोला जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि भाई सुशांत जी कुछ ऐप बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, वहाँ किसी और का नाम जोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया में, तो वही बात है ना, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें भी काफी दुख है सुशांत को लेके, उसका जो मुद्दा है सही मुद्दा रहना चाहिए और नाम सामने आना चाहिए जो भी है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ राजनीति की बू आ रही है। जिस तरीके बोला जाए बिग शॉट का नाम, भाई बिग शॉट का नाम है तो वो सामने आए, उसको हमें इस पे शक है, यहाँ शक नहीं किया जा रहा, खाली नचाया जा रहा है, कुछ समय और कटे और इसका कुछ सेंटिमेंटल यूज दिया जाए, ये भी देखने को मिल रहा है। ये देख के दुख हो रहा है। कल तक जो लोग सुशांत के केदारनाथ की मूवी का विरोध कर रहे थे कि भाई वो मूवी नहीं देखनी चाहिए, आपको भी याद होगा कि सुशांत ने मूवी की थी केदारनाथ, कितना उसके ऊपर बवाल हुआ था, और आज उनके जाने के बाद वही लोग उसके हितैषी बन गए। तो इस तरीके से ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें पहले भी वो अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं। सर 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 मूवी और जान की बात अलग होती है, मैं मान तो रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ की मूवी की, जैसे कि अभी इन्होंने कहा जिन्होंने दीपिका जी का जिन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी वो गालिब मूवी में है, तो उनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है कि वो क्यों है, लेकिन ये जान का मामला है, तो जान के मामले को, तो जान के मामले को प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना। आज आप बोल रहे सीबीआई ने जो जांच की, पहले जांच मर्डर की हुई थी, मर्डर में कुछ नहीं मिला, क्या मर्डर में ये प्रूफ हो गया कि ये मर्डर है? नहीं, उसमें बोला गया कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा मर्डर के। अब सीबीआई दूसरे मुद्दे पे आगे ड्रग्स वाले, तो ड्रग्स के बाद अब आगे क्या, कम से कम सीबीआई क्लियर तो करे कि हाँ भाई ड्रग्स के कारण इनकी मौत हुई है, सीबीआई कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ खेल रहा है, और ये देख के दुख हो रहा है। ये तो समय लगता है, इसलिए सीबीआई को दिया, सीबीआई जो है
हमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड कहीं ना कहीं हमें बहगा मतलब इधर से उधर बॉलीवुड जा रहा है कि यहाँ रिया चक्रवर्ती जब साफ साफ दिख रहा है तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको बॉलीवुड कहीं 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 इधर उधर जा रहा है। सूरज आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? आपको नहीं लग रहा है कि खत्ता है? सूरज से पूछूंगा। वंदना एक क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, अगर वो उनकी ना प्रेमी थी, अगर उनकी हितेशी थी, तो रिया चक्रवर्ती ने स्टार्टिंग में क्यों नहीं कहा कि ये ड्रग लेते थे, इनको ये प्रॉब्लम था, इनको ये चीज था? क्यों भागी? क्यों भागी है? क्यों भागाई गई? संजीव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? या इमरान जी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? कंचन जी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं जब उनकी हितेशी है? सर केजी जी आप ये बताइए, क्या प्रूफ हो गया है कि हाँ वो ड्रग लेते? एक सेकंड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा बोलना ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी अगर हो जाता तो सामने आएगा नहीं वो कि भैया इनको ये प्रॉब्लम था, इनके साथ इसका अनपन थी? कंचन जी कुछ कहना? कंचन जी हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कंचन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अब बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप किसी के अच्छे दोस्त होते हैं या किसी के साथ प्रेम में होते हैं और अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो क्या आप उसके नेगेटिव तथ्य लेकर आते हैं कि वो तो ड्रग्स लेता था, जैसे सर बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया? भाई रिया उसकी प्रेम में थी, वो क्यों बताएगी ऐसी बातें? जब तक इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाती, कोई ऐसा नहीं करेगा। एक अच्छा दोस्त भी होता है तो वो भी नहीं करता है। फिर वो तो उसके साथ प्रेम में थी, प्यार में थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं रिया ने बताया? आप कैसे कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? आप तब से बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने सर, अगर मैं पिला रही हूँ, अगर मैं किसी को ड्रग पिला रही हूँ तो मैं क्यों बोलूंगी? मैं तो छुपाऊंगी उसे। अगर मैं किसी को पिला रही हूँ, मैं अगर अपने प्रेमी को पिला रही हूँ तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं क्यों बोलूंगी? मैं क्यों चाहूंगी पुलिस मेरे ऊपर आए? सर ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने क्या, सर ने क्या बोला कि रिया ने पहले ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करी कि वो ड्रग लेते थे? अरे जब कोई है ही नहीं इस दुनिया में, आप उसके बारे में नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? अरे जो है वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे, ये बातें तो अब आ रही है बाबा, अब आ रही है। पिताजी उनकी बहने हैं, आपको ये समझनी चाहिए कि उन्होंने अपना एक ना बच्चा खोया, एक अपना भाई खोया है। अगर ये मुझे बहुत हमदर्दी है सर, मुझे बहुत हमदर्दी है, और मुझे अगर ये सुसाइड होता, देखिए ये सबसे पहली बात है, वो इतने मजे हुए कलाकार थे, वो इतने मजे हुए कलाकार थे, उनके इंटरव्यू देखिएगा, वो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोले, तो नेगेटिव सोचने बात तो बहुत दूर। हाँ धीरज जी, हाँ धीरज जी बोलिए। जो इंसान कभी बोला नहीं है। हाँ धीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ धीरज जी, अभी कृष्णा जी ने उनके परिवार के बारे में कहा, हालांकि ये थोड़ा कहना अतिशोक्ति हो सकता है, लेकिन कहीं ना उसके पिताजी और परिवार भी दोषी है। अगर एक साल से सुशांत के साथ दिक्कतें चल रही थी तो क्यों नहीं आके वो लोग जबरदस्ती यहाँ पे बंबई में बस गए? सर एक जवान बच्चा जब आपके हाथ से जब आपको लगता है निकल गया है तो आप इंतजार करते हैं उसके आने का, न कि आप उसे समझाएंगे उस वक्त जब प्यार, जैसा कि कहा केजी मंदाना ने, प्यार अंधा होता है और पूरी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ होता है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं और एग्री भी करता हूं, लेकिन जैसे जैसे परिवार का व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है तो पता चल रहा कि उन लोगों को कहीं ना कहीं सुशांत के मानसिक स्थिति के बारे में पता था। तो पिताजी और बाकी लोग हैं और वो सारे सक्षम लोग थे, यहाँ पे बंबई में उनके अगल बगल जबरदस्ती रह सकते थे। अगर हमारा घर का कोई आदमी भगवान न करे किसी बीमारी में, या उनकी उनकी बहन रहती थी मुंबई में, बहन थी लेकिन उनके साथ लगातार नहीं रहती थी, वो अपने परिवार के साथ ही रहती थी, वो आते जाते रहती थी नहीं, लेकिन लगातार उनको फॉलो अप करती थी, लेकिन कुछ दिन से वो थोड़े दूरी लगातार फॉलो अप करती थी। जब आपको पता है कि डिप्रेशन एक ऐसा चीज है जो धीरे धीरे लोगों को सुसाइड करके लेके जाता है, और हम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन का जो एक आखिरी स्टेज है वो सीधा सीधा सुसाइड पर होता है, तो परिवार के उनके इतने बड़े मेंबर्स थे, ठीक है, तो सबको कहीं ना कहीं उनके साथ में रहना चाहिए था, उनकी एक बार देखभाल करनी चाहिए थी। उनके पिताजी, आप अकेले पटना में रहते थे, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी बात करूँ कि कहीं ना कहीं 1% 2% उनके परिवार की तरफ, जैसे मैं यहाँ बंबई में रहता हूँ, मैंने खास करके आउटसाइडर, जैसे आप एक सलमान का एक मुद्दा लीजिए, सलमान के जीवन में कितनी सारी मुसीबतें आई लगातार, लेकिन हर वक्त उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा। हमारे जो आउटसाइडर होते हैं, जो बंबई के बाहर के लोग होते हैं, सबसे जब विषम परिस्थिति आता तो एकदम वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके जो करीब के रिश्तेदार हों, दोस्त हों, फैमिली वाले लोग हों, वो मदद करने के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि उनके परिवार ने भी ना उतनी सीरियसली से लिया नहीं, व्हाट्सएप पे पुलिस वाले को मैसेज किया जा रहा है कि सर एक 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 क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, आप सबके लिए आया है, और जनता का जवाब, ये विवेक लिख रहा है, विवेक
विवेक रस्तोगी, विवेक रस्तोगी का सवाल आप सबके लिए है, क्या बॉलीवुड अभी रिया चक्रवर्ती के लिए इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि महेश भट्ट उसके साथ है, करण जौहर के खिलाफ ये कार्रवाई ली जा रही है, इसलिए शायद पूरा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के लिए खड़ा हो गया है और सुशांत सिंह राजपूत के दोषी को बचाना चाहता है? ये जनता का सवाल है आप सबके लिए कि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फिल्म लाइन में किसी के साथ दुश्मनी ना कर लें, क्या कुछ ऐसा है? बॉलीवुड की हस्ती हमारे साथ हैं, इमरान जी, राजकुमार जी, क्या इनके सवाल का जवाब ये चाहते हैं आपसे? देखिए क्या है कि बड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए ये कह देना, एक तो फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करना फैशन भी हो गया है, आराम से उनको ब्लेम करिए, लाइमलाइट मिलती है हर चीज के लिए, उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं, पहले नेपोटिज्म का आरोप लगाया था तब इन सब लोगों के नाम आए थे, जब नेपोटिज्म की बात थी तो आप लोगों ने करण जौहर, महेश भट्ट और किस किस को नहीं छोड़ा, लेकिन वो मुद्दा तो सामने आया नहीं, वो बात खत्म हो गई वहाँ पे। और सुशांत सिंह राजपूत जो था वो सक्सेसफुल एक्टर था, उसने ऐसी कौन सी सक्सेसफुल एक्टर था, छिछोरे मूवी लगातार हिट दी, धोनी दी, फिर भी उसके पास फिल्में की कमी। आप बोले कि वो मुद्दा खत्म हो गया कि खत्म कर दिया गया, दोनों बहुत फर्क है, वो खत्म कर दिया गया था, खत्म हुआ नहीं था, परेशान होकर डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड की थ्योरी खत्म हो गई तो नेपोटिज्म अपने आप खत्म हो गया, और अगर नेपोटिज्म की थ्योरी रहती तो भी वो आदमी एक बहुत सक्सेसफुल आदमी था, उसने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी थी और उसके पास फिल्में थी और कंटिन्यूस फिल्में कर रहा था, तो उसके ऊपर वो नेपोटिज्म फिक्स होता नहीं है। नहीं सर, ये तो साबित हो गया, 6 फिल्मों से उसे हटाया गया है। देखिए एज एन एक्टर फिल्में 10 आती हैं और 10 जाती हैं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता रहता है, कितने एक्टर्स हैं वो बताते हैं कि ये फिल्म पहले मैं करने वाला था, मैंने छोड़ी तो उसको चली गई, ये मुझसे लेके उसको दे दी, ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चलता रहता है, ये यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन तो है नहीं कि आपने मुझसे एक फिल्म के लिए कह दिया तो आप मुझसे ही कर। आप इतने, आपने स्लम डॉग, मिलेनियर और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम की है, आपको कहीं लगा है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, क्योंकि आप काफी अच्छे एक्टर हैं, काफी पहले नेपोटिज्म के बारे में ये समझ लें कि नेपोटिज्म है क्या। अगर कल को मैं एक फिल्म बनाता हूँ तो मैं अगर अपने बेटे को लेता हूँ उस फिल्म के अंदर तो क्या कोई गलत कर रहा हूँ? मैं 20 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, 50 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ उस पर, अपने बेटे पे लगाऊं कि सड़क पे ऊपर से खड़े हुए एक एक्टर को ले आऊं और उसके ऊपर लगा दूं? दूसरी चीज, मैं जो पैसे, मेरे जो पैसे हैं वो टैक्स पेड मनी है, गवर्नमेंट ने मुझे नहीं दिया है, गवर्नमेंट मुझे देती है एक फिल्म बनाने के लिए और मैं उसमें अच्छा टैलेंट ना लाके अपने बेटे को देता हूं, तो वो नेपोटिज्म और भाई भतीजाबाद हुआ। मेरा पैसा है, मैं अपने जान पहचान वाले को ले रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी है। धीरज जी हैं, धीरज जी अपनी फिल्म बनाते हैं, धीरज जी ने कई बार मुझे दिया है, हम और धीरज जी मित्र हैं, तो धीरज जी ने कई लोगों को वो काम किसी और एक्टर को भी दे सकते थे, जो धीरज जी ने मुझे दिया, क्यों दिया? धीरज जी मेरे मित्र भी हैं, जो उन्होंने मेरे अंदर टैलेंट देखा होगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन धीरज जी मेरे मित्र भी हैं, तो उनको मेरे साथ काम करके एक कंफर्टेबिलिटी फील होती है, हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर काम करते हैं। तो इसमें नेपोटिज्म, अगर मैं अपने बेटे को काम देता हूँ तो ये नेपोटिज्म नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, मैंने बहुत काम करा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नेपोटिज्म इतना बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। काम तो अपने सर्किल में लोग करते हैं, अपने आप कंफर्टेबल होकर करते हैं, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको आपको नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, राइट? आपको नहीं लगता है? नहीं, नेपोटिज्म की अगर ये डेफिनेशन है जो मैंने कही है तो ये है, और ये गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये आपसे। नेपोटिज्म का अलग, मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ कि अगर 20 करोड़ रुपए अगर मैं मूवी में लगा रही हूँ तो मेरे बेटे को या मेरी बेटी को लॉन्च करूँ, आई अग्री विथ यू, टोटली आई अग्री विथ यू, पर मुझे ये बताइए कि कहाँ से, अगर आपको एक अच्छा कलाकार दिख रहा है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कलाकार जो है ये मेरे इशारे पे चलेगा, लेकिन इस अच्छे कलाकार को जस्ट बिकॉज कि वो मेरा फेवरिज्म नहीं कर रहा है, विल नॉट प्रमोट और वॉट एवर, वेर इट इज करेक्ट? बिकॉज 6 मूवी से जब पूरी हमने बात निकाली तो हमें पता चला इन्हें लगातार 6 मूवी से निकाला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन दैट ही वॉज वर्किंग इन शेखर कपूर्स मूवी। सो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री जो है इनके खिलाफ हो गई, बिकॉज ही वॉज अ बिग स्टार, और मुझे नहीं लगता है कि उनकी इतनी फिल्म रिलीज हुई है, 80% ऑफ द मूवी वॉज हिट, इन स्पाइट ऑफ दैट उसे मूवी मिल रही थी। वाई नहीं? नहीं, देखिए देखिए कितनी मूवी हिट थी, नहीं थी, वो सब मूवी हिट करने पे तो एक्टर को, सर आई हैव आल्सो स्टेड इन बॉम्बे एंड आई आल्सो नो दिस कि हां हिट होने पे आपको मूवी मिलती है, ठीक है? आप जब चलते हैं, आप दिखते हैं तो बिकते हैं, आप दिखते हैं तो बिकते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब कोई एक्टर मर जाता है या नहीं रहता है तो उसकी बहुत तारीफ करी जाती है, बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा काम करता था, या फिर ऐसा करता था तो फिल्म का काम क्यों नहीं देते थे। ये सब बाद की बातें हैं, पहले की बातें नहीं है, क्योंकि फिल्में कितनी चली थी कितनी नहीं चली थी वो एक एक्चुअल रिकॉर्ड है, और वो इतना जितना आप कह रही हैं उतनी तो नहीं चली थी। सर एमएस धोनी, सर एमएस धोनी, सर छिछोरे, सर मैं नाम लेती जा रही हूँ मूवी का, आप मुझे बताइए कौन सी मूवी फ्लॉप है। शुभ देसी रोमांस, ठीक है, ये शुभ देसी रोमांस कोई ऐसी ऐसी हिट कैटेगरी की फिल्म में सर, इट वाज अ वेरी इट वाज हिट एंड इट वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय द पब्लिक, ये पब्लिक का व्यू पॉइंट है सर। इट वाज अ ठीक ठीक फिल्म, इट वाज ठीक एवरेज प्लस फिल्म से ये जिनके नाम आप ले रहे हैं, बट इट वो फ्लॉप नहीं थी सर, वो फ्लॉप नहीं थी, अच्छी मूवी थी। हां फ्लॉप नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि कंफर्टेबिलिटी क्यों देखी जाती है। देखिए आर्ट है ये, आर्ट के अंदर जब आप किसी आदमी के साथ काम कर रहे हैं तो एक कंफर्टेबिलिटी चाहिए होती है। ऑफिस नहीं है जहाँ पे क्लरिकल जॉब हो रहा है कि दो लोग एक फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें आपस में नहीं भी है तो भी वो काम कर रहा है। ये आर्टिस्टिक उसके अंदर लोग देखते हैं थोड़ा सा कि हम कंफर्टेबल किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। जिसके साथ ज्यादा होते हैं लोग उसके साथ करते रहते हैं, लोग सालों एक ही एक्टर के साथ करते रहते हैं, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल होकर काम करते हैं और अगर आप अपने घर वालों को काम देते हैं, दोनों केसेस में कहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो अभी इमरान जी कह रहे थे कंफर्टेबल वाली बात, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिन एक्टर के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, जब हम कोई भी कहानी करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमें विजुलाइज करना कि भाई वो उस सीन में कैसा दिखेगा। बाकी जब हम फिल्म बनाने चलते हैं तो जो कंफर्टेबल है, मैं थोड़ा इसको खोल के बताता हूँ। सबसे पहली चीजें आती हैं डेट्स, बजट, और दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट का एक, आप उसको नखड़ा कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए। जब हम अपने जानने वाले के साथ काम करते हैं तो हमको पता होता है कि उनको क्या क्या चीज लगने वाली है, क्या क्या चीज हमको दिक्कत होगी। फिर क्या होता है कि एक दोस्त होने के नाते एक दूसरे का वो सम्मान करते हैं, कुछ चीजें कम और बेसी भी होती है तो लोग करते हैं। दूसरा आप नेपोटिज्म करें ना, इस वक्त सुशांत को कोई भी नेपोटिज्म या किसी तरीके का ये सारी चीजें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि सुशांत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे कोई भी आउटसाइडर मेकर उनके साथ फिल्म बनाए तो बहुत बड़ी हिट नहीं भी होती, लेकिन क्या सुशांत उसको अपने दम पर खींच लेके चले जाते। अब इस वक्त में उनको नेपोटिज्म वगैरह से कोई खतरा नहीं था सर, उसे शाहरुख खान समझा जाता था जी, क्योंकि उनकी और शाहरुख खान की स्टोरी काफी मिलती जुलती थी जी। तो इस वक्त आप मान के सकती हैं कि यशराज को और बाकी बड़े प्रोडक्शन को सुशांत की जरूरत थी, सुशांत को उनको जरूरत नहीं थी। सुशांत के पास मैं भी कोई अच्छी कहानी लेके जाता, उसके साथ कॉर्पोरेट आता, फिल्म बनती अच्छे से, रिलीज होती, लोग उसको देखने के लिए जाते। तो अब इस वक्त में सुशांत को नेपोटिज्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि सुशांत एक अब एक बड़ा स्टार था। आप उसकी छिछोरे मूवी देखिए या लास्ट पांच में देखिए तो तीन उसकी जो है बड़ी हिट थी, अब उसको किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं थी। अगर आप अक्षय कुमार का करियर देखेंगे, अभी अगर 5 साल का करियर हटा दे, अक्षय ने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ज्यादा काम नहीं किया। बड़े प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है अक्षय कुमार को, सलमान खान को आप ले लीजिए, तो ये अब सुशांत भी उस मुकाम पे आ चुके थे। अब इस वक्त नेपोटिज्म का सवाल उठाना गलत है मेरे ऊपर। मतलब एज अ डायरेक्टर राइटर आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म शायद नहीं है, और लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं जिनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, और मैं इसको मानता हूँ कि और वो अच्छा भी होता है, वो फिल्म के लिए भी अच्छा होता है, फिल्म अच्छे से बनती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, नहीं तो कितनी सारी फिल्में बीच में बंद हो जाती है। अभी मेरी 2-3 टीवी सीरियल्स की शूटिंग चल रही थी, जितने हम अपने जिन आर्टिस्टों को हम जान रहे थे उनके साथ, अभी जैसे मैं आपको इमरान जी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैं दीनदयाल लिख रहा था तो पहले दिन से जो सीनियर दीनदयाल के रूप में इमरान हसनी जी थे और जूनियर में निखिल जो है एक्टर वो हमारे साथ थे। सिर्फ इन अब इनके साथ क्या है कि भाई इनको मैंने एक सब्जेक्ट सुनाया और इनको सब्जेक्ट अच्छा लगा, तो इनके साथ ये ऐसी बात नहीं है कि सर आपके साथ ये डेट की प्रॉब्लम होगी इसकी, जो एक बता दिया गया कि हम इस डेट से शूट कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फिल्म को अच्छे से निर्माण के लिए बहुत जरूर, कंचन जी हमारे साथ चापेकर कर रही हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम चापेकर शूट करने जा रहे थे, अनफॉर्चुनेट उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और हम लगभग शूटिंग की तैयारी करके बैठे हुए थे, तो
फिर 15 दिन इनकी ये हालत नहीं थी कि ये आके शूट कर सके और ये कर सके, तो हम वो डेट को थोड़ा आगे लेके चले गए। और फिर उसी वक्त इनके इनका कमिटमेंट फ्रॉड सैया के साथ भी था, जिसकी शूटिंग भोपाल में चल रही थी। तो जब हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। शायद नए लोगों में वैसा होता नहीं है, पिछला इतिहास बहुत खराब है, लोग हमेशा दोस्तों और जान पहचान के साथ ही काम कर रहे हैं, बुराई भी नहीं। मतलब आपको लगता है कि कोई बुराई नहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है। कंचन जी चलिए मैं कंगना रनावत की बात करती हूँ, कि आपको क्या लगता है कि कंगना रनावत जो बोल रही है, पब्लिक उनको इतना सपोर्ट कर रही है, क्या आपको लग रहा है वो बेबुनियाद बात है? जैसे इमरान जी से बात हुई तो हमें लगा कि वो कहते हैं कि नेपोटिज्म ठीक है, इनके इनका भी कहना सही है कि हम अपने बच्चे को प्रमोट करेंगे जब इतना रुपया लगा रहे हैं, ठीक है मुझे बात। बट आपको क्या लग रहा है कि कंगना रनावत जो बोल रही है, उनकी सबसे पहले आवाज़ आई थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, लोगों को भरपूर लोगों का भरपूर प्यार मिला, लोगों ने उसे झांसी की रानी और दी दीवा बहुत सारा नाम दे दिया। आपको क्या लगता है कि कंगना रनावत की बात जो वो कह रही है कि बॉलीवुड के अचानक वो टारगेट कहीं और ले जा रही है सुशांत सिंह राजपूत से, मतलब वो कुछ भी हो तो शायद वो बड़े बैनर के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ टारगेट कर रही है? मतलब अगर कोई कहता है, अगर कोई बॉलीवुड में चीखेगा भी तो कंगना रनावत बोलेगी करण जौहर या आदित्य चोपड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शायद उनकी फिल्में उन्हें नहीं मिल रही है शायद इसलिए। कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिलहाल जो ऑडियंस हमें देख रही है, मैं आपको बता दूं हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों से कि रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं, इनका मत हम लेना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आखिर क्या माहौल है, क्योंकि हम सबको धीरे धीरे लग रहा है कि यार बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलना बहुत आसान है, जैसा कि इमरान जी ने कहा कि हाँ इंडस्ट्री जो है अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो कंचन जी आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत को अभी की प्रोडक्शन जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत को अभी किसी प्रोडक्शन या बैनर की जरूरत है। ऑलरेडी उन्होंने अच्छा काम किया है और अभी एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस है, और अभी वो जो भी बोल रही है उनकी पर्सनल चीजें क्या है, व्यक्तिगत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कुछ बेबुनियादी नहीं हो सकता। आज ही एक कल का ही किस्सा है कि उनको ऑन कैमरा इतनी गलत चीज बोली गई, तो ऑफकोर्स इन सब चीजों के हम लोग अगेंस्ट ही है। या एक कलाकार हो कंगना रनौत हो या एक इंसान हो, हम एक इंसान की भी बात करेंगे, किसी को भी कुछ भी ऐसे ऑन कैमरा बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। आप अगर इस देश और इस समाज में रह रहे हैं तो अपनी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं, अपनी चीजों के साथ रह रहे हैं, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल देगा तो वो तो वो भी तो पब्लिकली बोल रही है, वो भी तो पब्लिकली बोल रही है सबके सामने, तो पब्लिक भी अपना व्यू पॉइंट रख रही है। लेकिन उन्होंने किसी को उन्होंने आदमियों को उन्होंने पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट दिया है, एंड पीपल आर कॉलिंग हर दीवा जस्ट बिकॉज वो नाम ले रही है। वो ये नहीं बोल रही है इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कोई उनकी बात में किसी भी तरीके का वो मक्खन और वो शुगर कोटेड नहीं है वर्ड्स, वो नाम ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। अब पब्लिक ही और सब पब्लिक को बोलने का हक है, लेकिन वो मुंबई को पीओके से कैसे कंपेयर कर सकती है, ये भी तो गलत है ना। उन्हें क्या ट्रेट आया, उन्हें क्या धमकी आई है फोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, ये हम लोगों को नहीं पता ना, जिस यहाँ पे उन्होंने ये बात की। पर आप देश के एक एक सिटी को पीओके से कंपेयर करोगे, ये भी तो देश का अपमान है ना। बिल्कुल देश का अपमान है, लेकिन ऑन कैमरा आप किसी को अब्यूज करो ये उससे भी बड़ा अपमान है। एक कलाकार होने के नाते मैं भी कलाकार हूँ, बिल्कुल है, लेकिन हम क्या बोलेंगे क्या समझेंगे ये हमारी सोच के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। हम जो बोलेंगे वही तो हमारी पहचान बनेगी, पर आप ऐसे देश के लिए ऐसे बोल दोगे तो सामने वाले जवाब देगा ना, जो मुंबई को लेकर बैठा हुआ है। चलिए एक सेकंड, सूरज जी से पूछते हैं। सूरज जी हम लोग थोड़ा सा मुझे लग रहा कहीं से हाँ इमरान जी कुछ कहना चाहते हैं, इमरान जी कुछ कहना चाहते हैं पहले। हाँ इमरान, ये हम लोगों की क्या हैबिट है कि अगर सड़क के ऊपर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल 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 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सड़क के ऊपर खड़े हैं और कोई एक लड़की को छेड़ रहा है ना, सब चुपचाप खड़े हुए देखते रहते हैं, कोई एक शब्द आगे बढ़ता नहीं है।
एक शब्द किसी के मुंह से निकलता नहीं है, ये तो हमारी मानसिकता है। हम सब खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, हमारे सामने लड़की को छेड़ के एक आदमी लड़की को छेड़ रहा है, 100 खड़े होकर देख लेते हैं और बहादुर बनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके, ओके क्यों कह दिया, सोशल मीडिया पे कहने में बहुत मजा आ रहा है क्यों कह दिया। जब कोई लड़की को छेड़ रहा है वहां पे एक थप्पड़ मारने में किसी के अंदर कुछ नहीं, तब इनकी मर्दानगी कहाँ चली जाती है। आज सोशल मीडिया पे आके चिल्लाने में बहुत आसानी से और मजा भी आता है। ऑन कैमरा आके एक राजनेता इस तरीके का डेरोगेटरी वर्ड बोलता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आप ये कह रहे हो कि उसने देश के लिए ऐसा बोल दिया, अरे इतना बड़ा इतनी ऐसे अब्यूज करना क्या ये शोभा देता है किसी को भी। कंचन जी आप एंगल तो देखो, आमिर खान ने क्या कहा था जो उसको बनाया गया इतना इशू, वही चीज तो रनावत कंगना रावत जी ने कही है। आमिर खान ने क्या कहा था कि भाई मेरे बेबी को थोड़ा डर लगता है तो उसका इतना बड़ा इशू कर दिया गया, तो वही चीज तो कंगना रावत ने भी कही है। मैं ये नहीं कहता कि भाई उसको कंगना जी को जो कहा गया गलत है, बिल्कुल उनको जो कहा गया एकदम गलत है ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंगना जी को भी सोचना चाहिए। अगर कोई कोई ऑन कैमरा आके ऐसा शब्द यूज कर रहा है किसी के लिए तो बहुत सारा पिया, अगर कोई कॉल गई होगी तो किस तरह की बात हुई होगी, ये हम लोग अंदाजे ही लगा सकते हैं ना, आपको पता है ना। मुझे लग रहा है बिल्कुल कंचन जी आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसका माहौल बहुत खराब है। एक सेकंड संजय जी हम लोग लगता है भटक जा रहे टॉपिक से, मैं सूरज जी से पूछना चाहूंगा। सूरज जी आप प्लीज एक बार म्यूट कीजिएगा अपने आप को जी। हाँ सूरज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ आपको क्या लग रहा है, हमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोग टॉपिक थोड़ा भटक जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहा है? हाँ डिबेट थोड़ा कहीं और जा रहा है। आपका मन क्या कह रहा है कि इसमें ना रिया जी इसमें जिम्मेदार है कि नहीं, क्योंकि देखिए उनके साथ रही, उनके जाने के तुरंत एक हफ्ते बाद ही उनका सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ पता नहीं, तो ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? क्या करें मीडिया करें आपको मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है या आपकी जो सोर्स हो आपको क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को रिया के जगह पर रखता हूँ तो सुशांत जो एक सुपरस्टार है जिसके वजह से मेरी करियर मेरी लाइफ मेरा प्रॉस्पेरिटी एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हिम, उसके वजह से मेरे लिए कोई ऐसा अनमोल हीरा है कि उसके वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी, मेरी नहीं मेरे भाई की भी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस भी, मेरी एज अ इंडस्ट्री मेरी बड़ी हीरोइन बनने का जो ख्वाब है वो हर चीज़ उसके थ्रू पूरा हो रहा है, तो उसको मैं खत्म कर दूंगी। मैं आपको यहाँ पे सूरज एक बात बताना चाहूंगी, हम कल बहुत वर्कआउट कर रहे थे इसमें तो एक चीज आई कि वो लास्ट में आए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने एक मूवी छोड़ दी है और एक डायरेक्टर की मूवी है वो छोड़ दी, उसी के बाद रिया चक्रवर्ती शायद चली गई थी और कश्यप जी की मूवी उन्होंने छोड़ दी थी और वो उसके बाद अपने घर चली गई थी। जब वो देख रही थी सुशांत का जो करियर है वो चल रहा था तब तक उसके साथ थी, जब करियर गिर रहा है तो जहाँ चमक होती है आदमी वहीं भागता है, तब वो निकल रही थी वहां से, वो चली गई थी। तो कहानी इस तरफ टर्न कीजिए क्योंकि आपने कहानी इस तरफ समवेयर द अदर यू आर मेकिंग रिया चक्रवर्ती की शी इज वेरी इनोसेंट समवेयर द अदर कि वो इसलिए भी जा सकती है क्योंकि उससे लग रहा था सुशांत का करियर जो है डाउन जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी जो खबर मिली थी 7 में से 6 मूवी चली गई थी और वो 6th मूवी की खबर देने आए थे उसके बाद शी वेंट आउट ऑफ हर लाइफ जो उससे छोड़ के गई थी। देखिए इमरान जी और उन्होंने बताया था कि ये जरूरी जैसे फिल्म आती है 6 फिल्म है तो और 10 फिल्म उनकी लाइनअप थी जैसे हम इंडस्ट्री में जानते क्योंकि वो एक चलने वाला एक लंबी रेस का घोड़ा था, तो अगर यशराज भी अगर एक फिल्म में नहीं रहता तो उसके 10 बैनर्स और है जो उनको साइन करने तैयार थे, मतलब हमें इतना भी मालूम है वो 4 से 5 साल तक उनके पास डेट्स नहीं थे, तो इट वुड हैव बीन अ गुड न्यूज फॉर अदर प्रोडक्शन हाउसेस की भाई चलो उनको छुट्टी मिली तो हम 10 फिल्म साइन करेंगे, तो ये कभी भी उनकी तरफ से ये नहीं था कि उनको अभी करियर खत्म होने वाला है या उनको काम नहीं मिलेगा। ही वाज अ ग्रोइंग स्टार तो वो कोई सब कुछ उनके फेवर में था फिर भी वो खत्म हो गया, अपने खत्म कर दिए एक चीज सब कुछ उनके फेवर में फिर यहाँ पे तियाशा जी कुछ कहना चाहती है, एक लॉयर है और ये कुछ सवाल करना चाहती है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों से। तियाशा जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको, आपके जो सवाल है आप पूछ सकती है। ये प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपको अपने सवाल आप रख सकती है। हाँ तियाशा जी, तियाशा जी एक लॉयर है और वो अब कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आई एंड वी रियली अप्रिशिएट। यस नमस्ते सबको। वंदना और सबको मैं यही बोलूंगी ये मुद्दा आज आप लोग बात कर रहे हो इस मुद्दे के कुछ हो जाने के बाद एवरीबॉडी इज
माने वन बाय वन ओपनिंग अप, मे बी शेयरिंग और मे बी सम ऑफ द कमिंग अप. डेवलपमेंट इज सो मच विद अ ड्रास्टिक इफेक्ट. सुशांत जी जिनको इतना फैन फॉलोइंग था, इतना कुछ उनके लाइफ में हो रहा था, मैं यही बोलूंगी कि रहते रहते उनके सास रहते रहते वो खुद भी उनके खुद के लिए लड़ सकते थे. आज दूसरे आवाज उतारे बोल रहे, खुद उस जगह से गुजर चुके, ऐसे भी अपना आप बीती बता रहे हैं. पर मुझे लगता है कि जिसके ऊपर आप बीती जाता है उसको सबसे अच्छा वो पता होता है कि क्या है. वी कैन डू मेनी गेस वर्क्स और मे बी राइट, वो राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन का एस्केलेशन या फिर रिवोल्यूशन जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है वो मीडिया हाउस इज कमिंग. और मैं हमेशा बोलती हूँ मीडिया शुड नॉट जज. वो कोर्ट्स का भी कोई फैसला होने से पहले मीडिया अपने आप से जज कर लेते. मीडिया के बारे में जब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं मीडिया के हमेशा न्यूज रहती है क्या. वो ये नहीं बोलती है दोषी है दोषी है दोषी है क्या. मैं अगर आज हमारा देखेंगे भी तो हमने भी यही बोला क्या रिया चक्रवर्ती दोषी है. वी आर जस्ट कीपिंग फॉरवर्ड की क्या. नहीं नहीं हाँ हाँ एकदम. आप जो बोल रही है कि आपका मुद्दा जो कि क्या है ये वाला चीज जो है ना, ये क्या प्लेटफॉर्म या ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये इसके लिए मैं नहीं बोली. नहीं, हर मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, हर मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ. मैं जो बोल रही हूँ जैसे कि सुशांत के बारे में उनके लाइफ में इतना कुछ जो उनके गुजर जाने के बाद आ रहा है, ये सब तो था जब वो जिंदा थे तब. अभी भी बहुत सारे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं जो पॉजिटिवली जिसके ऊपर फोकस करके अगर चले. और जिस सुशांत सिंह को हम तो वापस नहीं ला सकते, पर ये चीज ना हो इसका एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म से लोग जुटे हैं उनको हम लोग सपोर्ट. जो जो अभी है जो दर्दा है जरूर बोलिए. जयशा जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको. थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग चाहे कितने भी है ना माहिर अपने फील्ड में, लेकिन सीआईडी से बड़े तो हम लोग तीसमा खान नहीं है. वो लोग बहुत तीखी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं. ये ड्रग्स का जो मामला है, हम लोग तो पहले कोई क्लियर नहीं किए थे कि एग्जैक्टली ड्रग्स आया है कि नहीं आया, लेकिन ये सीआईडी है जो मामले को है ना उजागर किए. और आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस है कि कौन किया है वो डेफिनेटली सामने आएगा, एंड फॉर श्योर सामने आने वाला है. तो ये पहला सुराग है, ये पहला सुराग है कि वो ड्रग्स से उन लोग का मतलब कुछ कनेक्शन था, ड्रग्स ले रहे थे, राइट. अब ये धीरे धीरे कनेक्शन और खुलते जाएंगे और इसके अंदर हो ना हो बड़ी बड़ी हस्तियां या पॉलिटिशियन इसके चपेट में आने वाली है और आने वाले दिनों में आएगी ही आएगी. आप जो बोल रहे मैं वही बोल रही हूँ, बस मैं नाम प्रोजेक्शन नहीं कर रही हूँ. हाँ, क्योंकि ये नाम प्रोजेक्शंस मैं नहीं करना चाहूंगी, पर ये जो फ्लो आपने जो बोला मैं भी वही बोल रही हूँ. अभी आपको नहीं लग रहा है जैसे फिल्म इंडस्ट्री, त्याशा जी अभी आपको नहीं लग रहा है फिल्म इंडस्ट्री अलग तरफ बह रही है. मुझे बोल देने दीजिए, मुझे बोल देने दीजिए. तो गुजर रहे इसके अकबर एग्जिस्ट कर रहे, जिसको पेन से वो जा रहे या डिप्रेशन से चल रहे या कोई भी एक क्रंच से जा रहा है या कॉर्नरिंग से जा रहा है या फिर रैगिंग से चल रहा है, तो उसको ओपन अप होके खुद अपने लिए लड़के आगे से उसको स्टेप लेना चाहिए. वो लीगल हो या सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, सपोर्ट कहीं से भी उसको मिल सकता है, पर यू हैव टू आस्क फॉर. ये हो जाने के बाद इतने इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फैन फॉलोअर्स है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये चीज सामने आ रहा है, इट इज गुड. ये चीज कोई अगर अभी एग्जिस्ट किसी के पास हो रहा है, दे कैन नॉक कि कौन सा दरवाजा राइट है पता नहीं है, पर अपने आप को खत्म करने के बाद कुछ हो उससे अच्छा है कि तू उस आपके कुछ जिंदा रहते रहते करो. बिकॉज द लॉस ऑफ सुशांत जी इज अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द फैंस लाइक अस. इट्स अ वेरी ट्रू. वो नॉर्मल पर्सन के साथ भी होता है, पर ये सारा चीज कोई नॉर्मल पर्सन हो या सेलिब्रिटी हो, मुझे कहीं ना ऐसा जी टाइम में नॉक करना चाहिए. त्याशा जी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी जो हवा है, पहले थी सुशांत सिंह के दोषी को सजा दीजिए, फिर एक नाम आने लगा, फिर रिया चक्रवर्ती का नाम आने लगा, फिर सबने कहा दोषी है. अब अचानक जो है इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट आया, बहुत सारे लोग रिया चक्रवर्ती के फेवर में आ गए हैं कि शी इज इनोसेंट, उसके साथ ऐसा मत करो, शी विल कमिट सुसाइड, ऐसा मत करो, उसकी
उसकी फैमिली सामने आ रही है कि अब मेरी बेटी गिरफ्तार होगी, कल मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है। अरे अगर आप कुछ कर रहे हो, आप सामने आए हो, पता चल रहा है तो लोग एक्शन लेंगे। अब वहां जो आप विक्टिम का गेम, आप जब विक्टिम का गेम खेल रहे हो कि यस आई एम पैथेटिक, और मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री के लोग एक सुशांत सिंह, अगर वो दूसरा सुशांत सिंह नहीं चाहते हैं तो उन्हें आगे आना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा, शायद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में फेवरिज्म, नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हो रहा है, शायद ये डिप्रेशन का कारण एक और सुशांत सिंह नहीं हो जाए। तो पीपल फील सो, बट बॉलीवुड इज ऑल्सो नॉट कमिंग बिकॉज दे आर यू नो समवे आर दी अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल्स विच आर देयर इन द इंडस्ट्री। राजकुमार जी, मेरे को नहीं लगता कि राजकुमार जी इससे ना वो मतलब सहमत है। राजकुमार जी, बोलिए राजकुमार जी, आपके अनम्यूट कीजिए। हाँ राजकुमार जी, फिर से राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए जी। कर देते हैं, मैं ऑडिबल? यस यू ऑडिबल। देखिए इतने सालों से हूँ इंडस्ट्री में, उस स्तर पर जितना मैंने जाना समझा थोड़ा बहुत यही कह सकता हूँ कि नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ फेवरिज्म एग्जिस्ट करता है, लॉबिज्म थोड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा नेपोटिज्म की बात करते हैं तो आज उदय चोपड़ा बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए था, अभिषेक बच्चन बहुत बड़े स्टार होना चाहिए, कुमार गौरव आज बहुत बड़े स्टार होने चाहिए थे अगर नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, फेवरिज्म जरूर होती है, उसका हम भी उसके विक्टिम है, फेवरिज्म के विक्टिम रहे, और लॉबिज्म भी होती है, एक अपने सर्कल को जो लोग बाग प्रमोट करते हैं तो वो भी होता है, और ऐसे में होता ही हूँ कि जो मोस्ट डिजर्विंग एक्टर होता है उसे पाता है रोल, ये ऐसा होता है, और निकाला भी जाता है, मैं भी उसका विक्टिम रहा हूँ, निकाला जाता है होता है। इमरान जी सुनिए, फिर लेकिन ये है कि वी मूव ऑन, और मेरा मानना है कि बनिस्पत इसके हम सबको मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज वी मस्ट ऑलवेज डॉज द डिफिकल्टीज। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड हर जगह, सिर्फ बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट किया जाता है, सर वही दिखता है, सर बॉलीवुड ही दिखता है हमें आगे पीछे, हम बॉलीवुड इज एंटरटेनिंग इंडस्ट्री एंड पीपल की नजर वही रहती है। इवन जैसा बॉलीवुड को एंटरटेनिंग इंडस्ट्री बोल रही है, उस आधार पर मैं एक क्वेश्चन आया है राजकुमार जी आपके लिए, क्वेश्चन है तो मैं एक एंटरटेनमेंट चैनल समझता हूँ, इससे बेहतर एंटरटेनमेंट चैनल हो ही नहीं सकता मेरे लिहाज में। सारे मीडिया खासकर जैसे रिपब्लिक, ये वो, मुझे लगता है कि वेब सीरीज चल रहा है, ये वेब सीरीज चल रहा है ये कांड का, और हर दिन नए टैलेंट ट्विस्ट आ रहे हैं, मतलब ये एंटरटेनमेंट चैनल है, और ये फुहड़ता की तरफ जा रही है, ये मीडिया फुहड़ता की तरफ जा रही है, मतलब वो ये नहीं बता रही है कि दोषी कौन है, वो ये बता रहे हैं जाने अनजाने कि यही दोषी है, और वो इम्पोज कर रहे अपने स्टेप, हु आर दे टू इम्पोज, मीडिया कैसे इम्पोज कर सकता अपने स्टेप, मीडिया शुड नॉट इम्पोज देयर स्टफ ऑन अदर्स, दे कांट बी जजमेंटल फॉर अदर्स। और क्वेश्चन आपके लिए फेसबुक से, कैसे संवाद करना चाहिए, देखता हूँ मैं उनको तमीज से बात करने की, कैसे नाम लेना चाहिए, ऐसे नहीं जो बड़े बड़े शख्सियत है उनका विदाउट जी विदाउट सर नाम लिया जा रहा है, दिस इज बुलशिट। और एक बात, मीडिया और स्पेक्टेटर ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, नकारात्मक को ज्यादा ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आता है मीडिया में कि एक स्कूल के प्यून ने 4 साल की बेटी का रेप कर दिया, तो ये धड़ल्ले से टीआरपी के चक्कर में ऐसा फैलेगा, रायता फैलेगा इसका। लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर ये आ जाए कि एक स्कूल के प्यून ने 4 साल की बेटी को गोद ले लिया, ये नहीं आएगा सर। वो आप देखेंगे सर, आप वो देखेंगे, आप मुझे ये बताइए, आप देखेंगे? आप देखना पसंद नहीं करेंगे? आप देखेंगे? आप नहीं देखेंगे? आप नहीं देखेंगे सर? आप हाँ वही दिखाएंगे जो आपको पसंद है। वंदना, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वंदना राजकुमार जी के लिए, राजकुमार जी आपके लिए क्वेश्चन है, राजकुमार जी पोस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, राजकुमार जी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। नो इट इज नॉट पसंद। आज आप कोई एक मिनट, मैं काम बताती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ राजकुमार जी, आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आई अग्री, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो क्या आप लॉस के लिए करोगे, ना या हाँ में आंसर करो, आप सिंपल टीआरपी के चक्कर में एकदम फोड़ता करने लगो, छिछोरापन, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जब दिखाने की बात आती है तो मीडिया कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाती है, अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया नहीं दिखाएगी तो मैं आपको बताती हूँ,
आपको पता है हैरेसमेंट कॉल्स आते हैं, आपको पता है हैरेसमेंट कॉल्स आते हैं, अभी हम हॉस्पिटल के अगेंस्ट में रिपोर्ट कर रहे हैं, हैरेसमेंट कॉल्स आ रहे हैं, फोन आता है, अगर आपने इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में उठाया ना तो आपका क्या होगा आपको नहीं पता है, ये कॉल्स आते हैं हमें। वंदना जी सबसे पहले तो ये बता दो, आप बधाई की पात्र, बहुत अच्छी बात बोले कि कभी कभी वाकई मीडिया कभी कभी अच्छा काम कर जाती है और बाकी सब क्या करते हैं सब मालूम है, बाकी सब दिन तो कभी कभी अच्छा काम करती है और उस बात की मैं सराहना करता हूं। वेब सीरीज एंजॉय करते हैं आप? वेब सीरीज एंजॉय करते हैं? सब मीडिया की तो नहीं होती, सब मीडिया की तो नहीं है। ऑलरेडी नेटफ्लिक्स में चलनी है, अमेज़न हर जगह चल रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो मीडिया न्यूज चैनल क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं? क्यों आप लोग अभी अभी बार बार एक नाम लिया जा रहा है, आप लोग तो खुद हाइप दे रहे हैं, यस ये बात कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग दिस, तो आप तो खुद नाम ले रहे हैं, तो अगर आप नाम ले रहे हैं तो नेचुरल है, मीडिया इज ऑल्सो अ बिजनेस, वो टीआरपी के लिए और एड के लिए नेचुरल, कोई बिजनेस लॉस में नहीं, लेकिन फुअरता तक जाना, यस आई विल से इट इज रॉन्ग समवे और द अदर, लेकिन मुझे ये लगता है कि मीडिया बहुत अच्छा काम कर जाती है, अगर मीडिया अगर काम नहीं करेगी तो ये सब केस सामने नहीं दिखेगा, दबेगा नहीं, क्योंकि आज आप मोबाइल को अपनी पूरी दुनिया बना देते हैं, आप भी उत्सुक रहते हैं, आज क्या, अरे कल क्या खबर हुई, अरे क्या हुआ बताओ जल्दी, नहीं आ रहा, अरे व्हाट्सएप चेक करते कुछ खबर आई, तो सर ये सब हम एडिक्टेड है और ये कहीं ना कहीं मीडिया को दोष देते हैं लेकिन हम भी दोषी हैं। वंदना जी अभी आप कैसी बात कर रही, पता है I'm very sorry to say, with due respect, जैसे एक फिल्म मेकर में बहुत ताकत होती है, एक फिल्म मेकर में इतनी ताकत होती है कि वो जग में क्रांति ला सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है, एक अच्छी फिल्म बना करके वो समाज का आईना होती है और सच में वो पॉजिटिवली ला सकता है, तो वैसे ही फिल्म मेकर लेकिन ये बोलता है कि मैं क्या करूं, पब्लिक को ही ऐसा चाहिए और फिर गलत परोसता जाता है, वैसे ही मीडिया कर रही है, मीडिया एक ताकत है, क्रांति है, ला सकती क्रांति, लेकिन वो बोलती मैं क्या करूं, ऑडियंस को ये चाहिए, जबकि ऑडियंस को नहीं चाहिए, ऑडियंस को आप बदलो, आप टेस्ट बदल सकते हो, ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है टेस्ट बदलने के लिए। टोटली अग्री विथ यू सर, टोटली अग्री विथ यू। राजकुमार जी एक से वंदन एक क्वेश्चन है राजकुमार जी के लिए फेसबुक में कि कहीं कहीं एक सेकंड राजकुमार जी आपके लिए क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं खबर जी हेलो कहीं ना कहीं खबर ये भी है कि है ना यस कहीं ना कहीं खबर ये भी है कि सक्सेसफुल की राजकुमार जी क्वेश्चन ये रहा कि हाँ क्वेश्चन ये है कि फेसबुक में क्वेश्चन आपके लिए आया है कि है ना नहीं इनका केजी यू आर हैविंग अ नेट इशू आई थिंक सो जो सुशांत सिंह राजपूत जो सक्सेसफुल चर्चा करे थे जो उनके कंपटीटर थे कहीं ना कहीं के लिए कांटा बन गए थे सुशांत राजपूत तो रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इस बार मैं बता रही हूँ ये क्या कहना चाह रहा है इसका नेट ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के कॉम्पिटिटर ये सहन नहीं कर पाए इसीलिए दे हैव बीन प्लॉटेड या फिर रिया चक्रवर्ती वॉज प्लॉटेड बाई समबडी फॉर सुशांत सिंह राजपूत दिस वॉज अ फेसबुक क्वेश्चन फॉर यू एग्जैक्टली हो सकता है मैंने जैसे कि कहा कि फेवरिज्म लॉबीज्म एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है इसका हिस्सा हो लेकिन आई एम नॉट श्योर हो सकता है मे बी और मे नॉट बी इट्स अ कंटिंजेंसी सो आई कांट से डेफिनेटली यही हो सकता है हो भी सकता है चलिए अभी हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट है फिर से आपको बता दूं हमारे साथ इमरान हाशनी और हमारे साथ कंचन अवस्थी जी राजकुमार कनौजी साथ में धीरज मिश्रा और सूरज चित्रे जुड़े हुए हैं एज अ पैनलिस्ट एंड वी हैव गॉट 5 मिनट्स टू गो और हम जाते जाते इनसे एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि इनका यही कहना है कि सही चीज़ मीडिया सामने लेके आए रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं दोषी है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे लेकिन जितनी हमने इनसे बातचीत की हाँ कोई कह रहा है कि अगर है तो आगे एक्शन लीजिए लेकिन किसी ने भी हमें हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया एज अ पब्लिक तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मैं जाते जाते एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कल को कि कोई बड़ा हाउस
दोषी है, अगर कल को ये बात निकलती है कि कोई बड़ा हाउस या बड़ी शख्सियत इसके पीछे है और रिया चक्रवर्ती वॉज प्लांटेड, तो आपको क्या लगता है सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं नहीं, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ दूसरे के साथ ना हो, आपको ऐसा लगता है? धीरज जी आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई भी दोषी हो रिया और उसके साथ में, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं खास करके ऐसे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके बच्चे बॉम्बे में हैं और पेरेंट्स बाहर रख रहे हैं, वो बच्चों पर पूरी तरह से नज़र रखें, उनसे लगातार बात करते रहें, समय समय पर बम्बई आएँ, उनको बुलाते रहें, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, अगर शायद वो सीरियसली वॉच करेंगे तो इस तरह की घटनाएं में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी आएंगी। और इसके अलावा जो भी एक्टर आउटसाइडर यहाँ पे रह रहे हैं, वो अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और अपने परिवार के संपर्क में रहें, हो सके तो नशा और जितनी भी चीज़ें हैं इससे दूर रहें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ लक्ष्य कोई और लेके आते हैं और लक्ष्य भटक जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस नशे के शिकार हो चुके हैं और नशा लेकर काम करते हैं, ये भी बहुत सारी बातें आ रही। खैर, हमारे पास वक्त नहीं है। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? कंचन जी से मैं सहमत था, उन्होंने शुरुआती दौर पर ही कहा कि नशा हमारे ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल हमारे ऊपर ही, हमारी इंडिविजुअल फितरत होती है, हम ले कि ना ले, हम मना कर सकते, कोई हम पर थोप नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरा मानना है इसमें जो भी गुनहगार हो, आप जैसे कि कह रहे हो कोई बड़ा कोई है ये सब कहते हैं, जो भी गुनहगार हो से सख्त इतनी सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो एक एग्जांपल हो लोगों के लिए, उदाहरण रहे, ताकि लोग बाग ऐसा कभी करने से 10 कदम पीछे हो जाए सोचे बिना। और जहां तक कि ड्रग्स का ताल्लुक है, वाकई ये धड़ल्ले से हो रहा है, एग्जिस्ट है इंडस्ट्री में, तो इसका खात्मा होना चाहिए। इसी बहाने ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो ये हटना चाहिए इसका। बिल्कुल, मैं कंचन त्रिपाठी अवस्थी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सुशांत के लिए हम लोग सबके पास बहुत ज्यादा हमदर्दी है, पब्लिक उसके साथ है, पूरा इंडिया, पूरा देश उसके साथ है। जो भी जिसने भी ये किया है, मर्डर हुआ है, जैसे भी हुआ है, मुझे नहीं पता, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि बिल्कुल सही बात है, एक एग्जांपल सेट होना चाहिए कि इस तरीके का आइंदा से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आगे इंसान कभी सोचे भी नहीं ऐसा करने का। और मेरी यही है कोशिश कि ऐसा ही हो आगे भविष्य में, जिससे कि कभी भी कुछ ऐसा ना हो। बिल्कुल, सूरज चित्रे आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट योरसेल्फ। यस, मैं भी पूरा सहमत हूँ सारे पैनलिस्ट से कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, वी ऑल आर विद सुशांत। और एक ये एक तरह से सबको सबक मिलना चाहिए कि अगर कोई पीछे इसके बड़ा हाथ है तो ये वापस से रिपीट ना हो हमारी इंडस्ट्री में। और हमारी इंडस्ट्री, अगर आपको पता चल जाए सूरज कि इंडस्ट्री में कोई बड़े आदमी का हाथ है, नाम आ जाए, तो क्या इस जो बॉलीवुड एक्टर अभी 4-5 हमारे साथ इकट्ठे हैं, क्या क्या उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं? आप बोलेंगे अगर नाम आता है तो? कोई बोलेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई बोलेगा, क्योंकि अगर बड़ा नाम आता है क्यों नहीं बोलेगा? मैम, आप ये गलत कह रही हैं कि बड़ा नाम आता है, दोषी हमेशा दोषी होता है, बड़ा नाम छोटा नाम doesn't exist, never। बिकॉज लोगों को ये डर लगता है कि कहीं जो है ये मगरमच्छ जो है हम सबको कहीं ना कहीं इतनी पावर रखते हैं। अभी वो जमाना नहीं रहा, बिकॉज कंगना टाइम नहीं रहा, अभी बिल्कुल अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम कहें कि उसकी वजह से मेरा करियर बनेगा या इसकी वजह से मेरा करियर बनेगा, अभी वो टाइम नहीं रहा मैम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी बड़े का नाम आएगा तो हम लोग छुप जाएंगे, डर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग खुल के आएंगे और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप नाम तो आने दीजिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के किसी को दोषी ठहराना ये उससे भी बड़ा अपराध है। एब्सोल्युटली राइट सूरज। यस, शी इज वेरी राइट, शी इज वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी इस वक्त किसी का नाम लेना गलत होगा, बट यस, जब पता चलेगा तो डेफिनेटली वी ऑल विल कम अहेड और सब जरूर उनको सपोर्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली वी ऑल वांट फॉर सुशांत जस्टिस। ओके, इमरान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के नाम निकले, लोगों को सजा मिले, ताकि गंदगी हर जगह से साफ हो। और यहाँ पे भी 4-5 लोग अगर पकड़े गए तो गंदगी साफ हो जाएगी, 4 लोग अंदर होंगे तो 10 लोग डर के मारे चुप बैठ जाएंगे। बहुत जरूरी है ये सब होना,
और जहां तक आपने ड्रग्स की बात करी तो ये बात ऐसा लगता है जैसे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एक्टर है तो ड्रग लेता होगा, फिल्म इंडस्ट्री में है तो ड्रग लेता ही होगा, ये बड़ी गलत बात नहीं, 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 कुछ लोग मैं फिर से आपको बता रही हूँ कैसी खबर आ रही है, कुछ लोग ड्रग पे डिपेंडेंट है और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने माना है कि नाम सामने नहीं आने देते हैं, कुछ फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ देखिए जब आप कुछ बोलती हैं तो फिर वो तो आटे में नमक वाली बात नहीं, नहीं, कुछ कुछ इज नॉट सब कुछ, कुछ इज नॉट सब कुछ, लेकिन लेकिन आप बात क्यों करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड दिखता है मैम, बॉलीवुड दिखता है कंचन जी, बॉलीवुड दिखता है। आज आप पंजाब का 90% देखेंगे तो ड्रग में डूबा हुआ है, मैं वही तो बोल रही, बॉलीवुड दिखता है, मैं बॉलीवुड की बात क्योंकि बॉलीवुड इज अ नेम फेम ग्लोरी इट्स अ ग्लैमर और ग्लैमर इंडस्ट्री में आपकी नजर पड़ती है, ड्रग्स का नाम कहाँ नहीं है मैम, हर जगह मैं नहीं है लेकिन वहाँ पे ग्लैमर नहीं है, ग्लैमर इंडस्ट्री पे नजर जाती है, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री है कंचन जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि वो ठेला वाला ड्रग ले रहा है तो आप ध्यान नहीं देंगी, लेकिन अगर मैं ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करूँ ना तो आपका ध्यान जाएगा, अगर मैं आपको बोलूँ टैक्सी वाले लोग ड्रग लेते हैं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, दिस इज ग्लैमर इंडस्ट्री, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ड्रग को सिरे से खत्म करें, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, बॉलीवुड में हो, पंजाब में हो, पूरे देश में हो, रोल मॉडल। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत या अमिताभ बच्चन या सलमान खान कोई रोल करता है ना तो दूसरे दिन लोग दबंग बन के घूमते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और इसलिए ग्लैमर इंडस्ट्री की नजर है और आप नजर आते हैं तभी ऑडियंस आपको देखते हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं जैसे कि करीना कपूर ने कहा था, देखना है देखो पिक्चर नहीं तो मत देखो, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते आप दिखने के लिए सामने आ रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन देयर, तो जब आपकी अच्छाइयां आपको लोग फॉलो करते हैं तो उस फॉलो में सब चीज आती है, मैम हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये बुराई में चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो या इमरान देश के किसी भी कोने में हो, हमें वो मैं फिर से बोल रही हूं आपको, मैं आपको फिर से यही बात बोल रही हूं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इफ आई एम टेलिंग यू अ टैक्सी पर्सन हु इज रनिंग, अ टैक्सी ड्राइवर इज टेकिंग, यू विल नॉट पे अटेंशन इन दैट, बट आप फॉलो कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, आप बड़ी बड़ी फिल्म देख के सोल्जर देख रहे हैं, आप सोल्जर बन जा रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं शाहरुख खान को का वो ट्रेंड आ जा रहा है, तो जब आपको फॉलो कर रहे हैं तो उनका जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, आप उसके बारे में टॉक है, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, तो बार बार ये क्यों बोला जा रहा है कि बॉलीवुड पे लोगों की क्या नजर है, अरे बॉलीवुड इज एंटरटेनिंग इंडस्ट्री, आपको तो खुश होना चाहिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पे लोगों की दे आर इन हाइप, यस इमरान जी सॉरी, यस नहीं नहीं आपकी आपकी बात सही है, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपकी नजर होना चाहिए और होती भी है, ठीक है आप कहते रहिए ऐसे ही, और मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि जिस तरह से ये बोल देते हैं कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, आपने हमारे फिल्म एक्टर्स देखे हैं क्या उनकी बॉडी है और क्या डिजायरेबल वो दिखते हैं, नहीं एक ड्रग लेने वाला ऐसा डिजायरेबल और ऐसी बॉडी मेंटेन कर सकता है क्या, सर मैं आपको इसके लिए मैं आपको बता दूं, देयर इज अ ड्रग, एक ड्रग होता है जो आपको लिया जाता है और आप लेके यू हैव दैट इज सपोर्टिंग योर बॉडी टू मेक इट मोर फिटर एंड टू लुक मोर गुड, आप स्टेरॉइड्स की बात कर रही हैं, आप स्टेरॉइड्स की बात कर रही हैं, मैं स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाली ड्रग की बात कर रहा हूँ जो नशे वाली होती है, ये नशे वाली ड्रग लेने के बाद आप अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते, आप डिजायरेबल नहीं लग सकते, तो ये तो बिल्कुल कोई फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जिसको काम नहीं मिलता है, घर बैठा है कुछ कर रहा है वो ले रहा हो तो अलग बात है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सामने हैं, जिनको आप रोज देखते हैं, वो लोग ड्रग्स नहीं लेते, वो लोग तो अपना खाना इतना मेंटेन रखते हैं कि वो उनको अपनी बॉडी बनाना है, उनको कल दूसरे दिन आके कैमरे के सामने खड़ा होना है और कैमरा झूठ नहीं बोलता, आपके जो भी आपके अंदर है सब दिखाई देता है कैमरे के अंदर, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आपका टाइम हो गया, बस मुझे थैंक यू एंड केजी व्हाट डू यू वांट टू से जाते जाते, नहीं नहीं आप म्यूट हो केजी, आप म्यूट हो, आई वांट टू से बोलना चाहूंगा कि ना प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार बुरा नहीं होता, रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं है वो हमें नहीं पता, केजी आपकी आवाज चली गई है, हाँ हाँ आप बोलिए, उसने अपना पल्ला झाड़ा है ये पूरे केस से, ये बहुत ही मतलब शेम है मुझे लगता है, एंड उनको आगे आई थिंक देयर इज सम नेट प्रॉब्लम, डजंट मैटर,
बिल्कुल, मैं के जी आपकी आधी बात सुनाई दी, जाते जाते मैं इतना कहूंगी कि जैसा कि शुरुआत में हमने कहा, मैं इन सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद करना चाहूंगी। मुद्दा कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जो कि नहीं चाहता है किसी को दोषी, हम नहीं जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं है। हम इन बॉलीवुड एक्टर्स को इसलिए बुलाए थे ताकि हमें पता चल सके कि अंदर की क्या बात हो सकती है या इनका विचार क्या कहता है। और मीडिया इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे आप बॉलीवुड के बारे में नहीं सुन सकते, हम भी शायद अपने मीडिया के बारे में नहीं सुन सकते, क्योंकि मीडिया ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं एंड बॉलीवुड एंड मीडिया गोज हैंड टू हैंड। हम जैसा कि जब मीडिया में आते हैं तो कहते हैं 5 P एक साथ होने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पुलिस हो, प्रोसिक्यूटर हो, प्रेस हो, सब एक साथ चलते हैं। तो इसे जाते जाते हम डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा, आने वाला वक्त शायद बहुत कुछ बता देगा और बहुत कुछ। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी आप देखिए कुछ गलत है, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो शायद ट्रैवल इंडस्ट्री हो सकती है, इवेंट इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अगर गलत देखिए अपनी बात रखिए, उसे सामने लाइए, मीडिया को सही दिशा में उसे बात बोलना चाहिए। चिल्ला के कोई चीज जीती नहीं जाती है, किसी के शब्द को लेके बंद नहीं किया जा सकता है। तो धीरज जी, राजकुमार जी, कंचन जी एंड इमरान हाशमी जी और सूरज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू। एंड उम्मीद करेंगे कि हमारा जितना जो सफ़र है जो आपने कहा है, होप करते हैं कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे हैं वो सामने आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा है उठाएंगे। Thank you so much. This is Vandana Agarwal signing off. Goodbye. Good night.